तो दोस्तों ऐसे क्या सनी देओल की गदर 2 जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी रहने वाली है, और जैसे कि इस फिल्म के लिए तो पूरे इंडिया जो कि बेसब्री से वेट कर रहा है, और जैसे कि इसके साथ यहाँ पर ये तो सभी जानना चाहते ही है कि यार गदर 2 में यहाँ पर इस बार हमें कौन कौन से स्टार्स दिखेंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ गदर 2 में कई सारे यहाँ पुराने स्टार्स तो लिए गए है, लेकिन इनके साथ यहाँ पर फिल्म में कई सारे न्यू स्टार्स भी जुड़े हैं। और जैसे कि दोस्तों अब यहाँ इसी बीच यहाँ पर फिल्म की लीडिंग लेडी का नाम भी यहाँ जानने को मिल रहा है, जैसे कि जहाँ एक तरफ यहाँ सनी देओल और अमीषा पटेल तो यहाँ पर एक बार फिर से गदर 2 से जुड़ी है, लेकिन जैसे कि यहाँ फिल्म में न्यू एक्टर के तौर पर यहाँ पर हमें उत्कर्ष शर्मा दिखने वाले हैं। हालांकि जैसे कि यहाँ उत्कर्ष तो यहाँ पर हमें गदर में भी दिखे थे यहाँ पर सनी देओल के बेटे के तौर पर, लेकिन जैसे कि उनका किरदार जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें दिखाया जाएगा। और जैसे कि इस बीच जाने को मिल रहा है कि यहाँ पर फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर यहाँ पर लिया गया है सिमरत कौर को, जो कि इससे पहले हमें कई सारी साउथ फिल्मों में दिख चुकी है। तो इसमें यहाँ फिल्म में उत्कर्ष शर्मा का किरदार तो अच्छा खासा बड़ा और इंटरेस्टिंग रहेगा ही। और जैसे कि जाने को मिल रहा है कि सिमरत कौर जो कि हमें उत्कर्ष के ऑपोजिट दिखने वाली है, और इसमें देखा जाए तो ये सिमरत का यहाँ पर बॉलीवुड डेब्यू रहने वाला है। और जैसे कि यहाँ सिमरत कौर को यहाँ साउथ फिल्मों में तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, और इसमें यहाँ गदर 2 में यहाँ सिमरत कौर को देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही। और इसमें देखा जाए तो यहाँ फिलहाल तो फिल्म की स्टार कास्ट जो कि काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है, लेकिन जैसे कि इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म से और भी कई बड़े नाम जो कि हमें आगे जुड़ते दिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ फिलहाल तो फिल्म की स्टार कास्ट से यहाँ पर सिमरत कौर का नाम जुड़ता दिख रहा है। हालांकि जैसे कि फिल्म की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का तो यहाँ पर बेसब्री से इंतजार रहेगा ही। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।